हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दीप ज्योति आप सभी का आज के इस नए वीडियो में बहुत स्वागत कर रही हूँ। ये एक गाइडेड वीडियो है। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, आज मैं कुछ ठीक से बात कर सकती हूँ इसीलिए वीडियो बना रही हूँ। लेकिन बहुत दिनों पहले मुझे गाइडेंस आया था, आप लोगों ने थंबनेल में देखा ही होगा कि ये वीडियो रहने वाला है ट्विन फ्लेम्स के लिए, यानी 2023 का सारे ईयर सोडेक सेंस के लिए, नंबर्स के लिए या फिर सारे कलेक्टिव कॉन्शियस के लिए। सारी रीडिंग्स तो हो गई है लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट रीडिंग भी है जो कि ट्विन फ्लेम्स, यानी 2023 ट्विन फ्लेम्स के लिए कैसा रहेगा, क्या कुछ होने वाला है। क्योंकि वैसे ही ट्विन फ्लेम्स की ज़िंदगी बहुत मुश्किलों से भरी हुई होती है, बहुत सारे स्ट्रगल्स होते हैं, चैलेंजेस होती है, उन्हें हर टाइम गाइडेंस की ज़रूरत होती है। और जैसे हर चीज़ उनकी ज़िंदगी में यूनिवर्स की मर्ज़ी से, डिवाइन की मर्ज़ी से होती रहती है, इसीलिए कई बार ट्विन फ्लेम्स बहुत परेशान हो जाते हैं सारी चीज़ों से। तो ये एक गाइडेड वीडियो है, मुझे गाइडेंस आया था कि मुझे इस टॉपिक पे वीडियो बनाना है, तो इसीलिए मैं वीडियो बना रही हूँ। आपको हो सकता है कि मेरी आवाज़ बीच बीच में ख़राब हो रही है या फिर बंद हो रही है, तो ये थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा क्योंकि मेरी तबीयत ठीक ना होने की वजह से आवाज़ में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। यानी आज मैं एटलीस्ट बात तो कर सकती हूँ। तो यहाँ पे मैंने तीन ऑप्शंस रखे हैं, तीन ऑप्शंस। ये पूरे कलेक्टिव के लिए मैंने इसलिए नहीं किया है क्योंकि हर कोई अपनी जर्नी में अलग अलग स्टेज पे होता है और एक ही गाइडेंस सब लोगों को रेजोनेट कर लेना मुश्किल होता है, इसीलिए मैंने तीन पाइल्स रखी है। और वैसे भी 2023 में और नए ट्विन फ्लेम्स का अवेकनिंग होने वाला है, तो इसीलिए मैंने तीन ऑप्शंस रखे हैं। तो आप लोग ऑप्शंस चूज़ कर लीजिए, मैं दिखा देती हूँ। पहला नंबर है ये रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल है, दूसरा नंबर है सिट्रीन, तीसरा है ग्रीन एवेंचुरीन। तो ये क्रिस्टल्स बहुत ज़्यादा ट्विन फ्लेम्स को पता होते हैं या फिर वो अवेयर होते हैं। पहला है रोज़ क्वार्ट्ज जो कि पिंक है, दूसरा सिट्रीन जो कि येलो है, और तीसरा ग्रीन एवेंचुरीन। तो आप अपनी जर्नी के बारे में सोचिए, यूनिवर्स को, भगवान को आप जहाँ पे भी विश्वास करते हैं प्रे कीजिए और अपना पाइल चूज़ कीजिए। डिटेल में बता दूंगी कि आप लोगों के लिए 2023 कैसे रहने वाला है। लेकिन फिर भी एक चीज़ ध्यान रखिएगा क्योंकि कलेक्टिव है, फिर भी ऑप्शंस है, फिर भी कलेक्टिव है, तो हो सकता है एकाध कुछ चीज़ मैच नहीं हो रही है, लेकिन ट्विन फ्लेम्स में कलेक्टिव कॉन्शियसनेस बहुत अफेक्ट करता है। तो ऑफकोर्स अभी मैच नहीं हो रहा तो आने वाले टाइम के लिए वो गाइडेंस ज़रूर रहेगा। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं एक नंबर की पाइल से, जिन्होंने ये रोज़ क्वार्ट्ज चूज़ किया है। तो आप लोगों के लिए यानी ट्विन फ्लेम्स के लिए 2023 कैसे रहने वाला है, ये डिटेल रीडिंग रहेगा। तो जब तक मैंने कार्ड्स पहले ही शफल करके रखे हैं क्योंकि एज़ यूजुअल बहुत टाइम चला जाता है इन सारी चीज़ों में, इसीलिए तो जब तक मैं कार्ड्स लगा रही हूँ, आप लोग दी एम्प्रेस को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना है, वीडियो लाइक करना है, शेयर करना है, और फेसबुक और इंस्टाग्राम भी है इसी नाम का, दी एम्प्रेस नाम का, आपको वहाँ पे भी फॉलो ज़रूर करना है क्योंकि वहाँ पे भी फ्री रीडिंग्स होती है, रेमेडीज़ होती है, गाइडेंस, बहुत सारी चीज़ें होती है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो तब तक आप वो काम कर लीजिएगा। मैं कार्ड्स अरेंज कर देती हूँ। आई थिंक कुछ कार्ड्स आपको ना दिख रहे हो क्योंकि बहुत सारे कार्ड्स हैं, मैं कुछ एडजस्ट कर लेती हूँ यहाँ पे ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। चलो आई होप अभी ये काफ़ी है इतना, मुझे थोड़ा सा कार्ड्स देखने दीजिए, फिर हम लोग आप लोगों की रीडिंग को देखते हैं। मुझे यहाँ पे मैसेजेस ये आ रहे हैं, यानी सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि अब तक की आपकी जर्नी कैसी है,
यानी आप कहाँ तक पहुँचे हैं, अभी करंट सिचुएशन क्या है, आप कौन से स्टेट में हैं, एग्जैक्टली क्या हुआ है आपके साथ में। तो यहाँ पे सबसे पहले मैसेज मुझे आ रहा है कि आप बहुत पेन में हैं, सैड है, बहुत सारे लोग यहाँ पे बहुत रो रहे हैं, यानी ट्विन फ्लेम्स, क्योंकि यहाँ पे सेपरेशन हुआ है मुझे दिख रहा है, बहुत बुरी तरीके से सेपरेशन हुआ है। आपके ट्विन फ्लेम्स भाग गए हैं लिटरली आपको छोड़ के, आप दोनों का कम्युनिकेशन नहीं है, हो सकता है झगड़ा भी हुआ हो यहाँ पे और बात पूरी तरह से बंद है, यहाँ तक कि आप दोनों एक दूसरे अब कहाँ रहते हैं ये भी पता नहीं है। बहुत दुखी है आप अपने ट्विन फ्लेम की बिहेवियर की वजह से, आप बार बार सोचते जा रहे हैं कि उसने ऐसा क्यों किया, आखिर क्यों किया, यानी इतना विश्वास था हम दोनों में या फिर बॉन्डिंग इतना अच्छा था, इतना स्टेबल था सब कुछ, फिर अचानक से ऐसा क्यों हो गया, उसने इतना इमैच्योर बिहेवियर कहाँ से आ गया, ऐसा बिहेवियर उसने क्यों किया, मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया। आपको खुद पे भी गुस्सा आ रहा है और आप अभी वही चीज़ लेके बैठ गए हैं, यानी अगर कोई आपके साथ में प्यार से बात भी करे ना तो उन पे भी आपको गुस्सा आता है कि ये प्यार व्यार कुछ होता नहीं है या फिर ऐसा कुछ है नहीं, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, सब झूठ होता है, लोग झूठ बोलते हैं, क्योंकि आपकी जो फेथ सिस्टम है वहाँ पे आपके ट्विन ने बहुत ज़ोरदार धक्का लगाया है, आपका विश्वास तोड़ा है, क्योंकि आप सोचते थे कि ये बहुत स्टेबल इंसान है, फेथफुल इंसान है, लेकिन वो चला गया है। और रीज़न यहाँ पे चले जाने का ये है, ये चीज़ आपको पता हो सकती है या नहीं भी हो सकती, लेकिन यहाँ पे दो रीज़न मुझे दिख रहे, एक तो है फैमिली रीजंस और दूसरा है करियर, ये दो रीजंस मुझे दिख रहे, जैसे कि बहुत सारे लोग ये पाई चूज़ करेंगे। इसीलिए एक तो है कि फैमिली में कुछ इशू है प्रॉपर्टी या फिर पैसे को लेके, उस रीज़न की वजह से आपके ट्विन ने बैकआउट कर लिया है। और दूसरा रीज़न है कि वो अभी फिनेंशियली बहुत बुरी हालत में है, उसके पास कुछ बचा नहीं है, हो सकता है उससे किसी ने चीट चीट किया है या कुछ फ्रॉड हुआ है बहुत बड़ा, और अभी उसके पास में कुछ बचा नहीं है, यानी बेसिक नीड्स पूरी करना भी उसके लिए मुश्किल हो गया है, ऐसे सिचुएशन में फंसा है वो। और इसी दौरान में आप दोनों का बहुत ज़ोरदार झगड़ा हुआ है, आप दोनों ने एक दूसरे को बहुत कुछ बोला है और अभी पूरी तरह से बात बंद है, बहुत गुस्से में है आप और रो भी रहे, यानी गुस्सा भी है, पेन में भी है, ऐसे सिचुएशन है आपकी। कभी कभी आपको ऐसा लग रहा है कि जाके झापड़ लगाए आपके ट्विन को कि ऐसा उसने क्यों बोला है, फिर ऐसा बिहेव उसने क्यों किया। तो ये आपकी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है, बहुत सारा कंफ्यूजन है। और ये जर्नी ऐसी है ना कि यानी ये ज़्यादा देर तक, यानी बहुत पुरानी जर्नी नहीं लग रही है मुझे, रिसेंट है, यानी जैसे ट्विन फ्लेम जर्नी कई सालों से चली आ रही होती है, तो ये इसे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, रिसेंट है। तो आप लोग बताइएगा ये आपको कैसे, किस तरीके से रिजोनेट हो रहा है ये आपकी अभी तक की जर्नी। यहाँ पे आपने कोई स्पिरिचुअल वर्क स्टार्ट नहीं किया है, कुछ नहीं किया है, आप जैसे एक नॉर्मल रिलेशनशिप की तरह उसे ले रहे थे और उसी एनर्जी में है आप अब तक की जर्नी में। अब देखते हैं कि 2023 में क्या कुछ होगा, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी स्पिरिचुअल जर्नी होती है और मेजर इसका पर्पस स्पिरिचुअल ग्रोथ, सोल ग्रोथ होता है। तो पहले देखते हैं कि 2023 में क्या कुछ होगा, क्या चेंजेस होंगे आपकी ज़िंदगी में, आपकी जर्नी में। स्पिरिचुअली अगर मैं देखूं तो मिस तो बहुत करने वाले ऑफ कोर्स है, यानी ट्विन फ्लेम्स कभी भूल नहीं सकते एक दूसरे को, क्योंकि वो एक दूसरे का हिस्सा है, एक ही सोल है, तो याद बहुत करने वाले हैं आप, रोने वाले भी बहुत है। लेकिन 2023 में आपको जर्नी के बारे में पता चलेगा, ये सब कुछ क्यों हुआ है और आपको एग्जैक्टली अब करना क्या है, क्या क्या एक्शंस लेने हैं, कहाँ पे क्या काम करने से सिचुएशन इम्प्रूव होगी, ये आप समझने वाले हैं और मेडिटेशन स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ पे आपको कोई आपके मेंटोर गुरु मिल सकते हैं जो आपको अच्छे से गाइड करेंगे और
आप में जो भी चीज़ें थी, जैसे गुस्सा है या फिर ब्लेम करना है या फिर कंट्रोल करने की कोशिश करनी, ये सारी चीज़ें आप छोड़ने वाले, यानी आप एक सरेंडर की एनर्जी में आने वाले हैं 2023 में। सरेंडर करना, कंप्लीट सरेंडर होना आप सीखने वाले हैं, होने वाले हैं 2023 में। जो एक स्टबननेस है उसे आप छोड़ने वाले हैं, यानी हर एक छोटी चीज़ आप अप्रिशिएट करना सीखने वाले हैं। आपका मेडिटेशन इस साल बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छी ग्रोथ आप करने वाले हैं। आपकी थर्ड आई ओपनिंग यहाँ पे मुझे दिख रही है, यानी अब तक आपके मन में जो भी सवाल थे, जो भी अंधेरा था, कुछ क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, सारी चीज़ों के जवाब आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा 2023 में। यानी हर चीज़ आपको पता चलने लगी कि ऐसा क्यों हुआ, इसका रीज़न क्या है। आप हर चीज़ मेडिटेशन के माध्यम से सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पे बहुत अच्छी एनर्जी दिख रही है मुझे आप लोगों की, यानी बहुत अच्छी ग्रोथ आप करने वाले हैं। और इसके इन सारी चीज़ों के दौरान ये ज़रूर होगा कि आपकी जो फिज़िकल हेल्थ है, बॉडी है, उस पर थोड़ा सा असर पड़े, बहुत सारा हार्डवर्क करना पड़े। ये होता है स्पिरिचुअल अवेकनिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी में, स्पिरिचुअल जर्नी में, कि क्योंकि हमारी बॉडी रेडी नहीं होती है यूनिवर्सल एनर्जीज़ के साथ में अलाइन होने के लिए, तो थोड़ा सा टाइम लगता है। और इतना सब कुछ गुजरना पड़ता है, इतनी सब कुछ चीज़ें फेस करनी पड़ती है, डार्क नाइट ऑफ सोल है, डिटैचमेंट है, हर चीज़ सीखनी पड़ती है पूरा, यानी नींद का पैटर्न चेंज हो जाता है, फूड का पैटर्न है, हर चीज़ चेंज हो जाती है। तो ऑफकोर्स हेल्थ पे थोड़ा सा असर पड़ेगा आपके, लेकिन ये बाद में ऑटोमेटिकली रिकवर भी हो जाता है। लेकिन आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ मुझे यहाँ पे बहुत अच्छी दिख रही है। अब देखते हैं कि ये तो ठीक है, लेकिन हमें जीना तो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में ही है, स्पिरिचुअल जर्नी में है तब भी, तो आपकी मटेरियलिस्टिक ग्रोथ क्या होगी, यहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे चेंजेस क्या होंगे, देखते हैं। आपकी जॉब, बिजनेस जो भी है वो चेंज होने वाली है, 101% सडनली चेंज होने वाली है। आप या तो जॉब रिज़ाइन कर देंगे, या फिर कोई सिचुएशन ऐसी बनेगी, आपको पता चलेगा कि आपको टर्मिनेट कर दिया गया है, या फिर कंपनी बंद हो चुकी है, या फिर ऐसी सिचुएशन आ गई कि आपको जॉब छोड़ना ही पड़े, या फिर आपके जो कलीग्स है, बॉस, आपको इतना परेशान कर रहे हैं कि आप खुद वॉकआउट कर जाएंगे। आप अभी जो भी कर रहे थे वो बंद करने वाले हैं, उससे बाहर निकलने वाले हैं, जॉब, बिजनेस जो भी है। और अगर एजुकेशन में हैं आप, तब भी एजुकेशन में आपको बहुत चैलेंजेस है 2023 में खुद को मेंटेन रखने के लिए। और ये चीज़ होने के बाद में आपको आपका सोल पर्पस पता चलेगा, और आप अपने सोल पर्पस के प्रति काम करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे यहाँ मुझे हीलिंग की बहुत ज़्यादा एनर्जी दिख रही है, कि आप हीलिंग सीख, कोई हीलिंग सीखना चाहते थे या सीखना है, तो वो आप सीखेंगे, और उसमें आपको एक बहुत सुकून मिलेगा, एक सोल सेटिस्फैक्शन मिलेगा, क्योंकि आपको अपना सोल पर्पस मिलेगा। सोल पर्पस होता ही ऐसा है कि जिस टाइम हम लोग अपना सोल पर्पस लेते हैं सर्व करने के लिए, तो उसका सेटिस्फैक्शन अलग लेवल का होता है, उसे हम लोग पैसों में काउंट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेटिस्फैक्शन आपको मिलेगा, जो आपको पहले वाले जॉब, बिजनेस में नहीं मिल रहा था, वो वाला सेटिस्फैक्शन आपको मिलेगा। यानी आपकी ग्रोथ मटेरियलिस्टिकली भी होगी, लेकिन चेंजेस होने के बाद में। अब नेक्स्ट देखते हैं कि ओवरऑल फिर ये जर्नी कैसी रहेगी, या फिर ये साल कैसा रहेगा आपकी जर्नी के लिए। तो यहाँ पे कार्ड है, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, फुल मून इन लियो। बहुत इम्पोर्टेंट कार्ड है ये, क्योंकि यहाँ पे हो ऐसा जाता है कि जब हम किसी सिचुएशन से अकेले एफर्ट करके बाहर निकलते हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो ईगो हम में आ जाता है कि अकेले से मैंने इतनी सारी चीज़ें हैंडल कर ली है, कितनी बुरी सिचुएशन से मैं बाहर निकला हूँ या निकली हूँ, इतना सब कुछ मैंने अटेन कर लिया, अचीव कर लिया, तो थोड़ा बहुत ईगो यहाँ पे दिख रहा है, तो वो आपको नहीं आने देना है। बाकी आपका करेज हो, कॉन्फिडेंस है, लीडरशिप है, ये सारी चीज़ें बहुत
अच्छे से आप में डेवलप होने वाली है पूरे साल भर में। आप अभी तक जो रो रहे थे यानी 2022 तक कि मैं अकेला हूँ या अकेली हूँ, ट्विन छोड़ के चला गया, मेरा कोई नहीं है, ये परसेप्शन आपका कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा और आपका परसेप्शन इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि मैं खुद एक संपूर्ण हूँ, मुझे बाहर कोई चीज़ ढूंढने की ज़रूरत नहीं या फिर मुझे भीड़ की ज़रूरत नहीं है। यानी जैसे भेड़ियों के, अगर आप भेड़िया देखते हैं या फिर कोई और जानवर देखते हैं तो वो टीम बना के रहते हैं, झुंड में रहते हैं, लेकिन अगर वो लॉयन है, बाघ है, सिंह है, वो कभी भी झुंड में नहीं रहते हैं, वो अकेले रहते हैं। आप इस एनर्जी में आने वाले हैं, आपका सोलर प्लेक्सस चक्र जो है वो बहुत अच्छे से शाइन करने वाला है, क्योंकि सोलर प्लेक्सस चक्र हमारे फिनेंशियल ग्रोथ को, करेज को, कॉन्फिडेंस को रिप्रेजेंट करता है। बहुत अच्छी एनर्जी है। और अभी गाइडेंस देख लेते हैं आप लोगों के लिए कि 2023 में आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या है, एंजल्स क्या बता रहे आपकी जर्नी के लिए। पूरे साल भर आपको एंजल्स साइंस देते रहेंगे हर चीज़ के लिए। ओपन रहिए हर एक साइन को, चाहे तो आप नोट कर सकते हैं डेट के साथ में, क्योंकि आपको एंजल्स यही बता रहे हैं कि आपको गाइडेंस जो है आपकी जर्नी के बारे में वो साइन के माध्यम से दिया जाएगा। अब साइन यानी सिंक्रोनिसिटी हो सकती है या कोई मेंटोर आपको मिल सकता है, गाइड मिल सकता है, लेकिन बीइंग अ ट्विन फ्लेम हमेशा ओपन रहना होता है सिंक्रोनिसिटीज़ को लेके। और सिंक्रोनिसिटीज़ यानी सिर्फ नंबर्स नहीं होते, कई सारी चीज़ें हैं, मेरा दूसरा वीडियो है उस पर आप देख सकते हैं। तो इसके लिए आपको ओपन रहना है पूरे साल भर में। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, आपके ट्विन फ्लेम की एनर्जी साल भर में कैसी रहेगी, आपके प्रति हो या इस जर्नी के प्रति हो, ये अभी हम लोग देखते हैं। पहला मैसेज है, विल यू एवर फॉरगिव मी। दूसरा है, आई एम बाउंड टू कार्मिक पार्टनर। देखिए आ ही गया वो मैसेज, मैंने बोला था कि फैमिली का इशू है। लेट्स हैव फन टुगेदर। और लास्ट है, आई एम आउट ऑफ कन्फ्यूजन नाउ। चलिए बहुत क्लियर आंसर्स है, मैं बता देती हूँ। यहाँ पे आपके ट्विन को उनकी गलती का एहसास होगा, रियलाइजेशंस होंगे कि उन्होंने आपके साथ में गलत किया था, वो रियलाइज़ होगा उन्हें, लेकिन वो अभी भी इस 2023 में कार्मिक पार्टनर के साथ में ही रहेंगे, क्योंकि उनके साथ में उनका कर्म जुड़ा हुआ है और 2023 में वो रहेगा, 2023 में वो ख़त्म नहीं होने वाला है, चलता रहेगा वो। लेकिन इन सारी चीज़ों का उन्हें रियलाइजेशन होगा कि ये कार्मिक है, आप उसके सोल काउंटर पार्ट है, सारी चीज़ें उसे रियलाइज़ होंगी। और ये होने के बाद में उसके फीलिंग्स रहेगी कि आपसे बात करे, वापस मिले, आपके साथ टाइम बिताए, वो कोशिश भी करे शायद आपसे बात करने का, आपके पास रिटर्न आने का, क्योंकि इस साल भर में ना उसके जो भी कन्फ्यूजन्स थे वो क्लियर होने वाले, यानी कौन अपना है, कौन पराया, कौन कार्मिक है, कौन ट्विन है, सच्चा पार्टनर कौन सा है, पैसा या अनकंडीशनल लव, या फिर अनकंडीशनल लव एग्जैक्टली क्या है, ये उसे पता चलेगा पूरे साल भर में। यानी उनका भी ये आपके ट्विन का ट्रांसफॉर्मेशन का फेज दिख रहा है मुझे 2023 में। तो ओवरऑल मैं अगर बात करूँ तो बहुत अच्छी एनर्जी है आप लोगों की, आप लोगों को इनर वर्क करते रहना है, जो गाइडेंस आपको बताया गया है वो आपको करते रहना है, सरेंडर करना है, मेडिटेशंस है, हीलिंग सीखना है, हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा क्योंकि आप अभी जर्नी में नए हैं, तो बहुत काम करना पड़ेगा खुद के ऊपर, खुद के जर्नी के बारे में। आपको सोल पर्पस भी पता चलने वाला है इस साल, तो बताइएगा मुझे आप लोगों को कैसे, किस तरीके से रेजोनेट हुआ है। और अगर पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए ट्विन फ्लेम जर्नी या फिर कोई और स्पिरिचुअल सर्विसेज के लिए, तो आप मुझे ज़रूर कनेक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। जाने से पहले दी इम्प्रेस को ज़रूर सब्सक्राइब भी करना है। चलिए अब देखते हैं जिन्होंने दो नंबर या फिर ये सिट्रीन चूज़ किया है, आप लोगों की जर्नी कैसी क्या रहने वाली है।
देखते हैं क्या कुछ गाइडेंस है, जर्नी में कहाँ पे ग्रोथ होगी, क्या ऑब्स्टेकल्स है। मैंने कार्ड शफल करके रखे हुए हैं, मैं लगा देती हूँ कार्ड्स। तब तक आप दी एम्प्रेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक इंस्टाग्राम है इसी नाम का, लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे भी आपको फॉलो करना है। कार्ड्स तो बढ़िया दिख रहे हैं मुझे आपके, बाकी के कार्ड्स भी लगा लेते हैं। चलिए मुझे थोड़ा सा कार्ड्स देखने दीजिए, फिर मैं बता देती हूँ। मेरा गला थोड़ा ठीक नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है, तो मेरी आवाज़ थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है, बीच में चली जा सकती है, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है तो आवाज़ पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। ओके चलिए, तो जिन्होंने दो नंबर या फिर सिट्रीन चूज़ किया है, तो ये ट्विन फ्लेम्स मुझे बहुत पावरफुल दिख रहे हैं। ये पुराने हैं, यानी आपकी जर्नी को काफ़ी टाइम गुजर चुका है, बहुत कुछ देखा है आपने, बहुत कुछ सहा है, यानी बहुत सारे लोग छोड़ के चले गए हैं, जॉब चली गई, फिनेंशियल लॉस, हेल्थ में इश्यूज़, हर चीज़ आपने देखी है, इसीलिए आपकी जर्नी लंबी है बहुत, यानी हर चीज़ आपने फेस कर ली है और फाइनली आप उस एनर्जी से बाहर निकली है। आपको हर एक चीज़ का भी ज्ञान हो चुका है कि वह जर्नी एग्जैक्टली क्या है, हमें करना क्या है, किस तरीके से चीज़ों को आगे लेके जाना है, और आप ये पूरी तरह से समझ चुके हैं कि भाई ये सोलो जर्नी है, यानी अपने ट्विन का वेट नहीं करना है, अपने आप एक्शन लेना है, अपने खुद पे काम करना है, स्पिरिचुअल हो मटेरियलिस्टिकली हो, ये आपको अच्छे से पता है। आप अभी वेट नहीं करते हैं किसी चीज़ का, आपको जो चीज़ चाहिए वो आप खुद मैनिफेस्ट करते हैं, यानी मैनिफेस्टेशन पावर भी आपकी बहुत बड़ी है, क्योंकि आपने बहुत कुछ चीज़ें रिव्यू की है, रिकॉल की है पास्ट की, जहाँ से आपने लेसन्स लर्न किए हैं कि एक सिचुएशन क्यों दी गई थी, या फिर आपके ट्विन ने आपके साथ ऐसा क्यों किया। हर चीज़ को आपने पूरे से खंगाल लिया है और उसमें से लेसन्स लर्न किए हैं। अब आप खुद में परिपूर्ण हैं, संपूर्ण हैं, आप ड्यूअलिटी कॉन्शियसनेस से ना बाहर आ चुके हैं, आपने अपनी ज़िंदगी के रथ को अपने हाथ में ले लिया है, इतने पावरफुल आप हो चुके हैं, इतना अनकंडीशनल लव भी है आपके साथ में, और कॉन्फिडेंस इतना है कि जो चीज़ चाहे आप खुद मैनिफेस्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं, कोई भी चीज़ आपको अभी डिफ़िकल्ट नहीं लगती है। ये बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है आप लोगों का पूरा, यानी प्रोसेस जो है ट्रांसफॉर्मेशन का वो कम्प्लीट हो चुका है आप लोगों का। बहुत पावरफुल एनर्जी में है फेमिनिन एनर्जीज, बहुत। आपने अपना करियर भी सेट किया ऐसे मुझे दिख रहा है यहाँ पे, कुछ जो फीमेल और ट्विन्स मैरिड है उनकी एनर्जी मुझे यहाँ पे ज़्यादा दिख रही है, बहुत अच्छी एनर्जी है। अब देखते हैं 2023 में आपकी स्पिरिचुअल जर्नी कैसी रहेगी, क्या कुछ होगा, कहाँ पे क्या चैलेंजेस आएंगे। यहाँ पे आपने बहुत सारे मेडिटेशंस, सेल्फ हीलिंग, या फिर अपने सबकॉन्शियस माइंड को बहुत अच्छे से हील किया, अपने हार्ट चक्रा को हील किया है, बहुत सारी चीज़ें रिलीज की है, अपने इनर चाइल्ड को आपने एक्टिवेट किया हुआ है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे मेमोरीज बोलिए या फिर कुछ चीज़ें हैं
जो अभी भी आपके हार्ट चक्रा में अटकी हुई है। ये हो सकता है आपके ट्विन के बारे में हो, क्योंकि ट्विन फ्लेम की एनर्जी होती है ऐसे कि उसे कभी दूर जाया नहीं जाता है, तो अंदर से कहीं ना कहीं आपको आपके ट्विन फ्लेम की एनर्जी मेमोरीज सताते रहेंगे, लेकिन आपने स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत अच्छे से की है। हो सकता है आप कुछ कोचिंग या फिर गाइडेंस ऐसा कुछ खुद का कुछ आप करने वाले हैं, और यहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ेगी आपका सोलर प्लेक्सस चक्र, यानी आपको सोलर प्लेक्सस चक्र को हील करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप में इतना कॉन्फिडेंस और करेज आ गया है ना, तो हो सकता है कि वो इम्बैलेंस हो जाए, आप में ईगो आ जाए, कई बार स्पिरिचुअल ईगो भी आ जाता है, तो ये चीज़ हो सकती है स्पिरिचुअल ग्रोथ में। आपको अपने सोलर चक्र पे काम करने की ज़रूरत दिख रही है मुझे यहाँ पे स्पिरिचुअल जर्नी में। बाकी आपका हार्ट चक्रा आपने अच्छे से हील किया है, लेकिन कुछ चीज़ें आपने अभी भी वो ब्लॉकेज बना के रखी है, उसे बाहर निकलने की ज़रूरत है। अब मटेरियलिस्टिक वो ज़िंदगी देखते हैं आप लोगों की, कि ये तो स्पिरिचुअल हो गया लेकिन मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में क्या होगा। मटेरियलिस्टिकली आप थोड़ा सा वीक दिख रहे हैं मुझे, इसीलिए वो मैसेज आया मुझे कि आपको अपना सोलर प्लेक्सस चक्र पे काम करने की ज़रूरत है। यानी यहाँ पे ये हो सकता है कि आप, यानी शुरू शुरू में होता है ना कि बहुत सारा एंथुजियाज़म होता है कि बहुत सारे लोगों को हेल्प करना है, गाइड करना है, मदद करनी है, सोल पर्पज सर्व करना है, तो इन सारी चीज़ों में ध्यान रखिएगा अपना कि आप इतना भी लोगों को हेल्प नहीं कर रहे कि आप खुद बीमार हो रहे हैं, खुद थके जा रहे हैं। खुद का ख्याल रखना है आपको, क्योंकि ये होता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी आपको पैसे के फॉर्म में कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन कुछ लोग आपका गलत फ़ायदा भी उठा सकते हैं, यानी फ्री में आपसे बहुत कुछ वो लेके जाएंगे, ऐसा दिख रहा है मुझे। तो आपको हेल्दी बाउंड्रीज यहाँ पर बनानी है, आपको जितना पॉसिबल है उतना ही हेल्प करना है, गाइड करना है, और एनर्जी एक्सचेंज भी लेना है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप अभी नए हैं इन सारी चीज़ों में। जैसे आपने अभी स्टार्ट किया है, आपने ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट कर लिया, स्पिरिचुअल लेसन्स आपने लर्न कर लिए, लेकिन जो भी आपने स्टार्ट किया है वहाँ पे आप नए हैं, इसीलिए आपको सावधान रहना है। चलिए आप देखते हैं कि आपकी ओवरऑल जर्नी 2023 में कैसे रहेगी। तो कार्ड है, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल, यानी ये आपकी फिनेंशियल ग्रोथ के लिए मैसेज है। जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला ना आपको कि आपने स्पिरिचुअल लेसन्स कंप्लीट कर ले, ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट कर लिया, अभी आपको ज़रूरत है आपको अपनी मटेरियलिस्टिक स्टेबिलिटी पे काम करें, और बहुत आप नज़दीक है, थोड़ा सा ज़रूरत है, जैसे मैंने बताया ना कि आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि लोगों को हेल्प करना, गाइड करना है, सब ठीक है, लेकिन इतना भी नहीं करना है कि वो आपके कंधे पे चढ़ के बैठ जाए। तो गोल्स आपके सारे अचीव हो जाएंगे 2023 में, फिनेंशियल गोल्स। आप ये एंजल्स का गाइडेंस है, फॉरगिवनेस, अभी पता चला मुझे ये आपके हार्ट चक्रा में मुझे वो ब्लॉकेज क्यों दिख रहा है, वो इसी वजह से कि आपने अभी फॉरगिव नहीं किया है। कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे फॉरगिव नहीं किया है, हो सकता है आपने अपने ट्विन को ही अभी तक पूरी तरह से माफ़ नहीं किया है, आपने माफ़ी नहीं मांगी है, ये भी हो सकता है। तो पूरे साल भर के लिए गाइडेंस है आपको कि जहाँ पे आपकी गलती है, कार्मिक के साथ में है, जो भी है, तो वहाँ पे आपको माफ़ी मांगनी है अपने ट्विन के साथ में, बाकी जितने भी सारे कार्मिक हैं उनको भी आपको माफ़ करना है। ये गाइडेंस है 2023 के लिए। अब देखते हैं कि ट्विन फ्लेम की एनर्जी कैसी रहेगी 2023 में, यानी आपकी जर्नी के प्रति, आपके प्रति कैसी रहेगी। तो पहला कार्ड है, आई वॉन्ट टू बी अ रिस्पॉन्सिबल हस्बैंड फॉर यू। सेकेंड है, आई वेटेड लॉन्ग इनफ, आई लर्न माई लेसन्स, प्लीज स्पीक टू मी एंड कम क्लोज टू मी,
आई एम रेडी टू गिव यू अ सॉलिड कमिटमेंट नाउ, लेट्स डू इट। बहुत सुंदर एनर्जी है पाइल टू। यहाँ पे आपके ट्विन फ्लेम मुझे वापस आते हुए दिख रहे हैं, यानी उनका भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है जो आपको पता नहीं है। तो ये पूरे साल भर में ना उनका भी ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगा, उनको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और वो आपको कमिटमेंट भी दे सकते हैं। मैरिज है, एंगेजमेंट, जो भी है, लेकिन ये मैसेज है 2023 के लिए। तो बहुत सारे, जैसे मैंने 2023 का प्रेडिक्शन किया था उसमें बताया था कि मुझे रीयूनियंस दिख रहे हैं ट्विन फ्लेम्स के, परमानेंट रीयूनियंस दिख रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पे ये मैसेज है कि आप लोगों की मैरिज हो सकती है, कुछ लोग वापस आ सकते हैं, शादी के लिए ही वापस आएंगे वो। कुछ लोगों को कम्युनिकेशन बंद था तो वो कम्युनिकेशन इनिशिएट करेंगे, माफ़ी मांगेंगे आपसे, कन्फेस करेंगे बहुत सारी चीज़ें। तो बहुत एनर्जी अच्छी है आप लोगों के लिए, यानी पाइल वन से ज़्यादा ग्रोथ आपने की है, प्रोग्रेसिव एनर्जी मुझे दिख रही था। अब लोग बताएगा मुझे कैसे, किस तरीके से रेजोनेट हुआ है, और अगर पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए ट्विन फ्लेम या कोई और स्पिरिचुअल सर्विसेज के लिए, तो आप लोग मुझे ज़रूर कनेक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, और जाने से पहले दी एम्प्रेस को आपको ज़रूर सब्सक्राइब भी करना है। चलिए अब देखते हैं लास्ट, जिन्होंने तीन नंबर या फिर ग्रीन एवेंचरिन चूज़ किया था, आप लोगों की जर्नी कैसे कुछ रहने वाली है। मेरी आवाज़ थोड़ी ठीक नहीं है, आपको कम्युनिकेशन में मेरा ठीक नहीं लग रहा होगा, फिर तबीयत ठीक नहीं है, मैं ज़्यादा बात नहीं कर पा रही हूँ, तो मेरी आवाज़ बीच में चली गई या फिर मैं रुक गई, तो वो हो सकता है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। क्योंकि आज मैं बात तो ठीक से कर पा रही हूँ, कि अभी तक मैं ठीक से बात भी नहीं कर पा रही थी, कुछ काम भी नहीं कर पा रही थी, पूरा काम मैंने बंद कर रखा था। अभी भी किसी से बात नहीं कर रही हूँ मैं, मुझे गाइडेंस काफ़ी दिन पहले आया था, तो अभी वीडियो इसलिए बना रही हूँ। मुझे थोड़ा सा कार्ड देखने दीजिए, फिर मैं बताती हूँ। आपकी रीडिंग में मेजर और कनास काफ़ी है पाइल थ्री। आप लोगों की जर्नी में भी ना, यानी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप फिनेंशियली बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी करियर में। कुछ लोगों को हेल्थ रिलेटेड इश्यूज है, स्पेशली बैक, स्पाइन, इनसे रिलेटेड कुछ इशू है। कुछ लोग बेड रिडन भी है, जैसे कुछ एक्सीडेंट हो गया या फिर कुछ हो गया इस रीज़न की वजह से, ऐसा भी कुछ दिख रहा है मुझे। यहाँ पे हेल्थ के इश्यूज है, फिनेंशियल इश्यूज है, यहाँ पे आप लोगों को बहुत तंग आ चुके हैं आप अपनी ज़िंदगी से, जो भी सिचुएशन चल रही है आपकी जर्नी में, आपकी ज़िंदगी में बहुत परेशान हैं आप। आपकी एज भी ज़्यादा है, ज़्यादा यानी जैसे 40s में हो, 40 के आसपास है, फिर 40 प्लस हो ऐसे, और आप अभी भी स्ट्रगल ही कर रहे हैं, बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत झगड़ रहे हैं इन सारी चीज़ों में। पैसा भी आपके पास में ज़्यादा नहीं है, और आपका शरीर भी आपको साथ ज़्यादा नहीं दे रहा है, अभी परेशान कर रहा है, बहुत जल्दी आप थक जाते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर हुई, आप अकेले रहते हो, जैसे सबसे आपने कट ऑफ कर लिया हो, फैमिली फ्रेंड से, रिलेटिव से अकेले ज़्यादा रहते हो, वर्क प्लेस पे भी किसी से ज़्यादा बात नहीं करनी है, काम अपने काम में रहना है, ये सिचुएशन दिख रही है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ये है, आप सॉलिट्यूड में हैं, यानी अब आप
अपनी ज़िंदगी के बारे में कंप्लेन करने की बजाय आप खुद आंसर्स ढूंढने लगे हैं कि भाई मैं कौन हूँ एग्जैक्टली, मुझे यहाँ पे क्यों लाया गया, इतनी सारी सिचुएशन मुझे क्यों दी गई है, इतने सारे एफर्ट करने के बाद में सिचुएशन चेंज क्यों नहीं हो रही है, रीज़न क्या है। ये सब कुछ आप अभी तक आपने किया है, बहुत सारे सवालों के जवाब मिले हैं लेकिन फिर भी आप अभी भी सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि पूरी तरह से आपको जवाब नहीं मिले। क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि आपने कहीं से गाइडेंस लिया हो या आपको कोई गाइड मेंटर गुरु मिले हो, सारी चीज़ें आपने खुद से ढूंढने की कोशिश की है। अब देखते हैं कि 2023 में आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में क्या कुछ होगा, कैसे होगा, क्या कुछ चेंजेस है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन जो है ना वो 2023 में होगा। आपका टाइम अभी आया है 2023 में। यहाँ पे आप ढूंढने की कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन सिर्फ कैसे सोते वक्त सोचना है या फिर अगर कहीं पे बैठ गए हैं वहाँ पे सोचना है, ऐसे आपने किया है। लेकिन अभी 2023 में सिचुएशंस ऐसी आएगी कि आप प्रॉपर मेडिटेशंस करना स्टार्ट कर देंगे और जो भी आपके ब्लॉकेजेस है वो सारे हटेंगे 2023 में। जो भी ईगो है या फिर पास्ट में खोना है, बहुत सोचना है उसने ऐसा किया मेरे साथ या फिर मेरे साथ धोखा हो गया, फिर फिनेंशियल लॉस हो गया, करियर में स्टेबल नहीं हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है, ऐसा कुछ भी है, फिर लोग आपके बारे में बहुत कुछ बातें करते हैं बोलते हैं, इन सारी चीज़ों से आप बाहर निकलेंगे 2023 में। आप प्रॉपर मेडिटेशंस करने वाले हैं, आप कुछ लोग साइकिक हो सकते हैं, आपको शायद आप साइकिक है ये पता चले, साइकिक मीडियम है ये रियलाइज़ हो जाए आपको 2023 में। ये ट्रांसफॉर्मेशन है, आपका ट्रू सेल्फ यहाँ पे निखर के सामने आएगा 2023 में। आप अभी तक ढूंढ रहे थे लेकिन आपको अपना ट्रू सेल्फ, ट्रू पर्पस पता नहीं चला था या फिर आपकी वर्थ क्या है, आप एग्जैक्टली कौन है, आपको 2023 में पता चलेगा और उसके लिए आप पूरे सरेंडर हो जाएंगे यूनिवर्स की तरफ। बहुत सारा नॉलेज आपके पास में आएगा, मुझे यहाँ पे साइकिक्स बहुत दिख रहे हैं, विजन्स दिखेंगे आपको, आप मुझे ऐसा लगता है कि आप जो एक स्टबननेस था आप में तो वो चला जाएगा, फ्लेक्सिबल हो जाएंगे। अगर आप लॉजिकल थे बहुत, कभी रोते नहीं थे, तो 2023 में आप रोना भी सीखने वाले। रोना बुरी बात नहीं है, वो एक हील होने का तरीका है, यानी इमोशंस को बहने देना है, तो वो आप 2023 में करने वाले हैं। ये तो हो गया स्पिरिचुअल का। आप देखते हैं आपकी मटेरियलिस्टिक ज़िंदगी क्या होगी। मटेरियलिस्टिक ग्रोथ आपकी मुझे अच्छी दिख रही है 2023 में, यानी अब तक आप जो भी झगड़ रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे, तो वहाँ पर एक अच्छा बैलेंस बनता हुआ दिखाई दे रहा है। फिनेंशियल ग्रोथ आपकी बहुत अच्छी होगी और यहाँ पे आपकी जो इनर फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन एनर्जी है वो कम्प्लीटली बैलेंस हो जाएगी। क्योंकि जब मस्कुलाइन एनर्जी इम्बैलेंस होती है तो उस टाइम हमें फिनेंशियल ग्रोथ के लिए, स्टेबिलिटी के लिए दिक्कतें आती है। तो यहाँ पे मुझे आपकी मस्कुलाइन एनर्जी बहुत अच्छे स्टेट में आती हुई दिखाई दे रही है। आप यहाँ पे कुछ अपने लिए ख़रीद भी रहे हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है, जैसे कुछ गाड़ी लेनी थी या फिर कोई महंगी चीज़ लेनी थी, आपके लिए घर लेना था, ऐसा कुछ आप 2023 में करने वाले, इतनी आपकी मटेरियलिस्टिकली स्टेबिलिटी आने वाली है। अब देखते हैं आपकी ओवरऑल 2023 में एनर्जी, जर्नी की एनर्जी कैसी रहेगी। तो आपको बताया जा रहा है होल्ड योर विजन। ये मैसेज इसलिए आया है कि हो सकता है कि आप जर्नी को यहीं पे छोड़ने का विचार कर ले या फिर तंग आकर सारी चीज़ों से भागने की कोशिश करें, या फिर जैसे अप डाउन्स रहते हैं, यानी ग्राफ हमेशा ऊपर ऊपर चढ़ रहा है नहीं होता ना, थोड़े अप्स एंड डाउन्स होते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में आपको बोला जा रहा है कि आपका विजन क्लियर रखिए, स्ट्रॉन्ग रखिए, ऑप्टिमिस्ट रहिए।
होप्स खोनी नहीं है, ग्रोथ आपने यहाँ तक की है, आगे भी करनी है और वो होके रहेगी। देखिए नेक्स्ट कार्ड है अपॉर्चुनिटी। एंजल्स आपको बता रहे हैं पूरे साल भर में आपके पास में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, करियर ग्रोथ है या फिर फिनेंस का है, जो कुछ आपको ख़रीदना था लेना था या फिर अभी तक आपके पास में ऑप्शंस ही नहीं आते थे, अपॉर्चुनिटी ही नहीं आती थी, ऐसा कुछ था तो वो भी रिजॉल्व हो जाएगा। और जो अपॉर्चुनिटी आ रही है उसे वेलकम करना है, एम्ब्रेस करना है, उसके बारे में ना कंप्लेन करनी है ना उसकी बुराइयाँ निकालनी है, नहीं। चलिए अब लास्ट देखते हैं कि आपके ट्विन फ्लेम की एनर्जी साल भर में कैसी रहेगी आपके और आपकी जर्नी के प्रति। पहला कार्ड है यू आर टू गुड टू बी ट्रू, दूसरा है आई एम हैप्पी एंड सक्सेसफुल नाउ, दूसरा है आई वॉन्ट टू चेंज माई सेल्फ फॉर यू, आई एम कमिटेड टू बिल्ड अ फुलफिलिंग लाइफ फॉर माई सेल्फ। देखिए डेथ का कार्ड दो बार आया है यहाँ पे, यानी आपका जैसे रियलाइजेशन है यहाँ पे ट्रांसमिशन आपके ट्विन का भी है, उसे भी सारी चीज़ें पता चलेगी। जैसे मैंने बताया है कि 2023 की वीडियो में कि ट्विन फ्लेम्स ने ट्विन फ्लेम्स का अवेकनिंग होगा, तो जैसे मस्कुलाइंस अगर अवेकन नहीं थे तो वो अवेकन हो रहे यहाँ पे, उन्हें आपकी वर्थ पता चलेगी, जर्नी के बारे में पता चलेगा और कहाँ पे क्या चीज़ चेंज करने की ज़रूरत है ये भी पता चलेगा, और उस पर वो वर्क करना स्टार्ट भी कर देंगे। कहाँ पे क्या कुछ कमी रह गई थी, क्या कुछ ज़रूरत है, अगर एक दूसरे को साथ में रहना है तो किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, इन सारी चीज़ों का उन्हें रियलाइजेशन होने लगेगा और वो आपको बता भी दे सितंबर अक्टूबर के दौरान, कनेक्ट भी कर ले कि जो भी चीज़ थी अब मैं स्टेबल हूँ, हम लोग वापस से कनेक्ट हो जाते हैं। अब हर एक की सिचुएशन अलग होती है, तो किसी का मैरिज है या फिर किसी को सिर्फ कांटेक्ट में रहना है, सोल पर्पज सर्व करना है, ये अपने अपने हिसाब से ले लीजिए। अब लेकिन यहाँ पे मुझे वापसी दिख रही है, रीयूनियन दिख रहा है, रियलाइजेशन दिख रहा है, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा मुझे आप लोगों को कैसे किस तरीके से रिजोनेट हुआ है। और अगर पर्सनल डिटेल कंसल्टेशन चाहिए ट्विन फ्लेम या कोई और स्पिरिचुअल साइकोलॉजिकल सर्विसेज के लिए तो आप मुझे ज़रूर कनेक्ट कर सकते हैं। तो जाने से पहले आपको दी एम्प्रेस को ज़रूर सब्सक्राइब करना है।